सो गाइज वेलकम बैक दोस्तों. अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं देन द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप ओल्ड सिलेबस में कन्वर्ट करना चाहते हैं न्यू सिलेबस में तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है. एंड इवन कुछ दिनों से मेरे पास में काफ़ी सारे डाउट्स अभी आ रहे हैं कि सर ओल्ड सिलेबस में अगर आप हैं एंड न्यू सिलेबस में अगर आप जाते हो कन्वर्ट कराते हो देन उस केस में जो एग्जेम्पशंस हैं एग्जेम्पशंस आपके प्रीवियस ओल्ड सिलेबस का क्या न्यू सिलेबस में एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे. एंड इवन एक और कंसर्न ये भी था कि पेपर नंबर 8 है CA इंटर में पेपर नंबर 8 क्या आपको अपियर उसमें होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक ये भी कंसर्न था. तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ सब कुछ इन डिटेल क्लियर करके बताऊंगा. और यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन ये 9th of January 2018 इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी एंड इंस्टीट्यूट ने इस नोटिफिकेशन में सब कुछ बता रखा है. हालांकि इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो 2-3 बना रखी है बट स्टिल अभी क्योंकि डाउट है रिसेंट में तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसलिए एक वीडियो में अगेन यहाँ पे बना रहा हूँ. तो सर ये जो अनाउंसमेंट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. जाइए सर्च करिए टेलीग्राम पे विस्टम CA और विस्टम CA सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास में सब्सक्राइबर्स अभी टेलीग्राम पे हैं उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF एंड वीडियोस बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं. सो उसको आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा और वहाँ से ये जो PDF है जो कि मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ देन उसको आप देख सकते हैं. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर की तो सर देखिए पेपर्स की अगर हम बात करें तो जो आपके CA फाइनल्स हो गए या CA इंटर हो गए रेस्पेक्टिव पेपर्स में आपको एग्जेम्पशंस बिल्कुल मिलेगी. इसका मतलब कि पेपर नंबर 1 में अगर आपकी ओल्ड सिलेबस में एग्जेम्पशन है तो पेपर नंबर 1 न्यू सिलेबस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. पेपर नंबर 2 ओल्ड का न्यू में मिलेगी. 3 का पेपर नंबर ओल्ड से न्यू में मिलेगी. तो इस तरीके से जो भी आपके रेस्पेक्टिव पेपर्स हैं उसकी एग्जेम्पशंस आपको बिल्कुल मिलेगी. हाँ अगर हम बात करें CA फाइनल्स की तो CA फाइनल्स पेपर नंबर 6 जो है इसमें थोड़ा सा कंसर्न है. पेपर नंबर 6 में यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलती. रीज़न क्या है कि पहले जो पेपर नंबर 6 ओल्ड सिलेबस का था ये था इसका का और फिलहाल में यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल दे रखे हैं कि इसमें से 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करके और अपना पेपर आप दे सकते हो. तो पेपर नंबर 6 को छोड़ करके बाकी जो भी CA फाइनल्स रेस्पेक्टिव पेपर्स हैं तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाते हैं. बाकी अगर हम बात करें CA इंटर की तो CA इंटर में कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि रेस्पेक्टिव पेपर्स हैं उसके एग्जेम्पशन तो मिलेंगे आपको. अगर आपका ग्रुप 1 में पेपर नंबर 3 में अगर आपका एग्जेम्पशन है ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपका इसमें एग्जेम्पशन है देन इस केस में ग्रुप 1 के पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 8 ग्रुप 2 का पेपर नंबर 8 दोनों में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी. इसका मतलब क्या कि न्यू सिलेबस के पेपर नंबर 3 में भी और पेपर नंबर 8 में भी आपको अपियर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सर जो भी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स हैं पेपर नंबर 1 का न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 1 तो बिल्कुल उसमें आपको एग्जेम्पशंस हैं एग्जेम्पशंस बिल्कुल मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें ग्रुप वाइज एग्जेम्पशन की तो कुछ स्टूडेंट का डाउट ऐसा था कि CA इंटर में अगर उन्होंने ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है तो क्या उनको जब ग्रुप 2 में अपियर होंगे उस केस में इनको क्या पेपर नंबर 8 उसमें भी अपियर होने की जरूरत पड़ेगी. तो सर बिल्कुल अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पेपर नंबर 8 में अपियर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है ओल्ड सिलेबस में तो आपको पेपर नंबर 8 में ग्रुप 2 के बिल्कुल उसमें अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं एक बार इसमें जो नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ. सर यहाँ पे देखिए अगर आपने ग्रुप 1 पास कर रखा है तो आपको ग्रुप 2 में ग्रुप 2 CA इंटर केवल पेपर नंबर 5, 6 एंड 7 में ही आपको अपीयर होने की जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज पेपर नंबर 8 आपके लिए एक्सक्लूजन है. पेपर नंबर 8 में आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने CA इंटर ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 पास कर रखा है तो. ग्रुप 2 अगर आपने पास कर रखा है तो ग्रुप 1 के सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे एंड सेम CA फाइनल्स एज वेल. CA फाइनल अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है तो आपको ग्रुप 2 में अपीयर होने की जरूरत पड़ेगी एंड अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर रखा है तो ग्रुप 1 में आपको अपीयर होने की जरूरत पड़ेगी. तो सर यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आई थिंक कि अब जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे इसको लेकर के तो बिल्कुल आई होप कि क्लियर हो गया. बाकी अगर कोई और भी आपके मन में डाउट है इसके अलावा सो डेफिनेटली यू कैन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. और बाकी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो लिंक्डइन पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. सो गाइस थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड यस मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. सो गाइस फाइंड आउट द डिसेंट ऑफर विद एंजल वन. बाई ए फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल वन एंड साथ में कैशबैक भी डायरेक्टली इन योर अकाउंट. लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में. जाइए ओपन करिए डीमैट अकाउंट एंड साथ में पाइए कैशबैक भी.